विधानसभा क्षेत्र नैना देवी के अंतर्गत आने वाले उपमंडल स्वारघाट के होटल हिल टॉप में प्रेस वार्ता के दौरान नैना देवी के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्रियों व उसके मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा क्षेत्र की नैना देवी अंतर्गत आने वाले उपमंडल स्वारघाट के होटल हिल टॉप में प्रेस वार्ता के दौरान नैना देवी के विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्रियों व उसके मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण सड़कों की अनदेखी की जा रही है, गांवों की लेबर को नेशनल हाईवे पर भेजा जा रहा है, ग्रामीण सड़कों का पैसा नेशनल हाईवे पर जा रहा है, बरसात की आड़ में लाखों का घोटाला हो रहा है, लोक निर्माण विभाग द्वारा बरसात का मलबा हटाने के लिए कोई भी टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही, एक ही ठेकेदार के नाम से उसके रिश्तेदार कई जेसीबी मशीनें लगाने का काम दिए जा रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के स्वारघाट नैना देवी बुनमहोल उपमंडलों की जांच कराई जाए कि बरसात की आड़ में कितने लाखों के घोटाला हुआ है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनकी नैना देवी चुनाव क्षेत्र में गांवों की कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिनमें कैंची मोड़ से वाया लखाला तथा बेहल पंचायत के चिकनी खड का पुल जो गत साल से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, उसका निर्माण करना भी आज दिन तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण बेहल कूड़ा वाला पंचायतों के बाशिंदों को अपने घर तक जाने के लिए पंजाब होकर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी सहन करनी पड़ रही है। विधायक रामलाल ठाकुर का कहना है कि सरकार के कुछ छुटबी नेता ट्रांसफर एडजस्टमेंट करने के नाम पर कर्मचारियों से लाखों रुपए की धनराशि लूटने के कार्य में जुटे हुए हैं। इन ट्रांसफरों को ना तो मुख्यमंत्री या मंत्री का कोई पता है और ना ही उच्च अधिकारियों की कोई जानकारी है। रामलाल ने कहा कि कर्मचारियों को लूट कर किसी नेता की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट के ध्यान में इस चीज को लाना चाहता हूँ। साथ में मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे जो है ना लेबर है, जो लेबर हमारे सड़कों में होनी चाहिए वो लेबर नेशनल हाईवे पे है। जो गांव की सड़कें हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो सब डिविजनों की जो लेबर है हमारी, वो नेशनल हाईवे पर चार्ज हो रही है। नेशनल हाईवे को कोई हाईवे का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला है। हमारा जो पैसा है वो गांव वाली सड़कों में न लगा के उस पैसे को जो है वो आज ये रिपेयर में और वो करके, और उसमें भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ठेकेदारों को भी ऐसों को काम दिए जा रहा है कि बरसात की आड़ में उसमें भी लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है। कोई टेंडर नहीं हो रहे हैं, मशीनें एक ही ठेकेदार की, कोई चाचे के नाम से, कोई भतीजे के नाम से, कोई अपने ड्राइवर के नाम से, कोई बीबी के नाम से, एक ही ठेकेदार है, वो छह छह मशीनें अपने परिवार वाली लगा रहा है। मैं पीडब्ल्यूडी वाले से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मशीनें लगाने के लिए कोई टेंडर किया? आपने दावे किए हैं कि नहीं जी, पीने के पानी के ऊपर कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ से हमारी स्कीमें चली गई और दूसरी तरफ से आपने हमारे तीन एसडीओ बदल दिए, जिनका ना स्टे पूरा। देखो चंगर एरिया का जो एसडीओ है उसको ना 5-7 महीने हुए थे अभी आए, उसको भी बदल दिया। स्वारघाट में एक चौहान लगाए थे, वो जो है ना वो पहले बोले जी अब रुक गए, फिर दोबारा से उसके ट्रांसफर ऑर्डर हो गए। जुखाड़ा में हमारा एसडीओ था, उसकी प्रमोशन करी, वहां पे प्रमोट ही आ गया। अब चक्कर ये है कि कुछ राजनीति के लोग जो है वो ट्रांसफर में भी बेईमानी कर रहे हैं। मेरे इल्म के मुताबिक अपॉइंटमेंट्स वो हो रही है जिसमें लोकल लीडर पैसे मांगता है और पैसे मांगने के बाद जो है वो ट्रांसफर जो है ना रुकती भी है और नई अपॉइंटमेंट्स भी उसके मुताबिक होती है, उसमें कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे ही जो है वो हमने जो है वो कम्युनिटी सेंटर बनाए थे भाखड़ा में बनाया है, एक हमने जो है ना वो देवथ में बना रखा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने उद्घाटन जब कराया था, जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था मिड हिमालय प्रोजेक्ट का कोठीपुरा में, उसमें के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने आके एक बड़ी इमारत वहां पर बनाई। चौकीदार की तनख्वाह चार्ज हो रही है, कोई वो नहीं है और बंद पड़ी है वो बिल्डिंग। भाई और नहीं तो मैं ये कहना चाहूंगा तो पंचायतों को दे दो, जो आपके आपके दफ्तर है जो दूसरे किराए के उसमें जा रहे हैं। हमारे आप देख लीजिए, यहाँ पे वेलफेयर ऑफिस है वो किराए के उसमें है,
अच्छा। कारण क्या है कि जब बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, तो ये दफ्तर जो है ना, उस दफ्तर में क्यों आपका वेलफेयर का ऑफिस नहीं जा सकता? एक बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे जो है ना, आप मेरे को बताइए कि वो बिल्डिंग में कोई 8 कमरे हैं, उसमें बड़ी बिल्डिंग है, ITI का आप जो किराया दे रहे हैं। चाहूंगा कृपया करके बेईमानी से पोस्टिंग मत करो, जो भी कर्मचारी लगे हैं उनको ईमानदारी से काम करने दिया जाए, और इस प्रकार से जो लोकल दबाव है कि जिस दबाव की वजह से कुछ ट्रांसफर होती हैं, फिर पहले करवाने का पैसा खाते हैं, फिर जो है रुकवाने का पैसा खाते हैं, फिर एडजस्टमेंट का भी पैसा खाते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक एक SDO प्रमोट हुआ, उसको यहाँ पे लगाया गया, जिससे 2 लाख रुपए खाए गए। अब मेरे को बताओ कि जिन अधिकारियों को आपने जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए भी जब आपने पैसा खाना है, तो फिर क्या होगा? जिसका ना मंत्री को मालूम है, ना शायद मैं कहूंगा हाई अप्स में मालूम है, लेकिन नीचे नीचे से ये चीजें हो रही है। किसी की गरीबी जो है वो कर्मचारियों को लूटने से दूर नहीं होगी। अगर कोई नेता है बोले जी मेरे को बड़ी मुश्किल आ गई, मेरा तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया, मेरे को तो मकान भी अलग से लेना पड़ रहा है, बीबी का मकान अलग से, मेरा मकान अलग से है, तो ये मैं कहूंगा कि ये लोगों के बीच में ऐसी धारणा पैदा करना कि भाई मैं जो क्या करूं, मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करना है।